أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يصرى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل اخبار شناسی کی 713ویں نشست میں آپ سب کا خیر مقدم. جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں یہ نشست بتاریخ 8 مئی 2013 مطابق 27 جمادی الآخر 1434ویں ہجری بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے, جس کا آغاز ابھی خوش الحان حافظ و قاری جناب عرفان احمد صاحب کی قرات سے ہوا. حزب خواہش جناب غلام ازدانی صاحب کنوینر محافل. میں چند کلمات آج کے مقرر صاحب کے متعلق پیش خدمت کر رہا ہوں. آپ جناب ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب سے بخوبی واقف ہیں. ڈاکٹر صاحب اقبالیات کے اسکالر ہیں اور ہماری پچھلی کئی نشستوں میں کو مخاطب فرمایا ہے. آج کا عنوان ایلیٹ اقبال اور ٹیگور کی شاعری میں انسان کا تصور جناب کا تجویز کرتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب بولہ باقی نہیں ہے رگوں میں اس میں تکرار کیا تھی نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے اور کیا تھی نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی تمہارے پیامی نے سب راز کھولا تمہارے پیامی نے سب راز کھولا خطا اس میں بندے کی
सरकार क्या थी खता इसमें बंदे की, सरकार क्या थी ना थे भरी बज़्म में अपने आशिक को ताड़ा, तेरी आँख मस्ती में होशियार क्या थी नाते, कहीं जिक्र रहता है इकबाल तेरा, कहीं जिक्र रहता है इकबाल तेरा, फसूं था कोई तेरी गुफ्तार क्या थी, फसूं था कोई तेरी गुफ्तार क्या थी नाते हमें। साहब को उनकी नई तसनीफ पर दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्दू हाल में वो किताब तो बदल होता है, उर्दू हाल में बड़े शानदार तरीके से इसकी जो है रस्म इजरामल में आई और लोगों ने पता नहीं पढ़ाया या नहीं, लेकिन तस्वीर की बहुत तारीफ की। ये किताब का टाइटल कवर है कुछ यादें और कुछ बातें, और जाहिर है कि 84 साल के नौजवान के पास बेशुमार वाक़यात हैं, उनका ताल्लुक समाजी तहरीकों से भी रहा है, सियासी जमातों सियासी नहज से भी रहा है, और जाहिर दीनी और नए उलूम के इदारों से भी रहा है। जब मैं नए उलूम और नए तालीमी इदारों की बात करता हूँ तो आज डॉक्टर वजारत रसूल ख़ान का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जिनकी तबीयत नासाज है। कहा गया है कि उनको के लिए दुआ करें। हैदराबाद में जो तालीमी इनकलाब है वो गैर मामूली है। जब मैं खुसरो साहब को अनवार उलूम कॉलेज की तकरीब के लिए बुलाया था अनवार उलूम में, उन्होंने कहा कि दक्कन का ये अलीगढ़ है। उसके बाद मेरा एक मज़मून जो है पुलिस मुफक्कम जान मुआविन के एक सेमिनार किया था कि उसमें द चेंजिंग फेस ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन इन हैदराबाद, मोहतरम मुतली साहब ने किताब में उसको शामिल किया था, एडिट बहुत नेशनल सेमिनार। तो हैदराबाद में जो तब्दीली शऊर तालीम की आई है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के कम्यूनिटी में उतनी बड़ी तब्दीली कहीं नहीं। शुमाली हिंदुस्तान में जामे अलीगढ़ जदीद उलूम के इदारे आए हैं, दूसरे इदारे नदवतुल उलमा दारुल उलूम इस्लामी, लेकिन यहाँ दोनों तरह के इदारों का जो है फ़रोग हुआ है गैर मामूली है। इसके अलावा मुमताज़ुद्दौला बहुत से जो है इदारों के जो है तालीमी इदारे रहे, फिर मदीना एजुकेशन सोसाइटी और बेशुमार तहरीकें, लेकिन वजारत रसूल ख़ान ने इन तमाम के साथ साथ अपनी तन्हा कोशिशों से 60 के करीब जो तालीमी इदारे क़ायम किए, हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। लड़कियों के लिए मेडिकल कॉलेज, लड़कों के लिए फार्मेसी, लड़कियों के लिए फार्मेसी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का पूरा नेटवर्क आंध्र प्रदेश के जो है पूरे इलाके में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का पूरा नेटवर्क आंध्र प्रदेश के इलाके में, यूकेजी से यूजी तक, तो तकरीबन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा बिल्डिंग तैयार है। तो एक तन्हा शख्स की कोशिशों का इतना गैर मामूली इंकलाब प्रोफेशनल कॉलेजेस के उसमें, जहाँ तक के डेक्कन मेडिकल कॉलेज का भी सवाल है,
उसकी शुरुआत में उनकी सैक्रिफाइसेस का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि उनको जो है शायद कामिला अता। ऐसे हैदराबाद के ताल्लुक से मैं जब आ रहा था तो यहाँ मेरे साथ एक किताब, अभी मैं दकन के ताल्लुक से, ये रज़ा अली अभी प्रोड्यूसर थे, तो उसमें उन्होंने लिखा कि हैदराबाद कमाल का शहर, हैदराबाद को नज़र लग गई। आले अहमद सुरूर ने भी लिखा कि हिंदुस्तान में हैदराबाद और दिल्ली और अलीगढ़ तीन मुकाम उर्दू और मुस्लिम तहजीब के पास मंदिर हैं। अताउल्लाह खासमी एम्बेसडर भी रहे हैं नॉर्वे में पाकिस्तान के। उन्होंने लिखा कि सारी जो है हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में अब बाकी जो है हैदराबाद। बहरहाल अल्लाह का एहसान है कि ये शहर अपनी तमाम गुनाहों खराबियों के बावजूद तालीमी मैदान में बहुत आगे है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बहुत बाद में कायम हुआ, बहुत कोशिशों के बाद नेहरू मेडिकल कॉलेज कायम हुआ। अब शादा सोसाइटी के पास लड़कियों का मेडिकल कॉलेज है, गैर मामूली अहम जो है हॉस्पिटल्स हैं, और दो मेडिकल कॉलेजेस तैयार हैं जिनके इसमें एक टीम और मंजूरी हो गई। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। यही नहीं, दूसरे इदारे भी बहुत काम कर रहे हैं। मैं किसी वक्त उस पर तफसीली रोशनी डालना चाहूँगा, बड़ी खुशी होती है। ये और बात है कि कहीं इदारों में जो है खुद मुफक्कम जा एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो हर वक्त जो है सर्वे में 25 अहम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुमार होता है हिंदुस्तान के, कभी 25 से 50 के रेंज में आप उसका हर वक्त नाम देखेंगे। उसकी जो है जो लिस्ट है डिस्टिंक्शन की लिस्ट इतनी लंबी होती है, फर्स्ट क्लासेस की नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसे वजूद में आए हैं इदारे, और बहुत अहम बात है कि, और यही नहीं कि ये इदारे हमारे यहाँ के बिहार उत्तर प्रदेश शुमाल के उन लोगों को लिए भी केटर करते रहे हैं। गयासुद्दीन बाबू खान साहब, सियासत और दूसरे लोगों के तआवुन से उनको यहाँ बुलाया गया, उनकी फ़ीस वगैरह के भी इंतज़ाम किए गए। इस तरह से इट इज़ एक हब बनता जा रहा है। जैसे जस्टिस अहमदीन साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि साउथ शुड लीड, और पोटेंशियल अभी भी हैदराबाद में है, उसको लीड करने की सलाहियतें हैं, नेटवर्क के और बड़े मकासद हम कर सकते हैं, और ये बड़ी बात है, खुशाइन बात है हैदराबाद के ताल्लुक से। आज का जो उनवान है खतरे पेचीदा उनवान है। मैं असल ये उनवान दरअसल इस महफिल से के बजाय एक नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार का टॉपिक है, लेकिन मैंने थोड़ी सी तब्दीली के लिए उसको जो ये उनवान आपको चुना है। तीनों शख्सियतें जो आज इस उनवान का हिस्सा हैं अपनी जगह गैर मामूली शख्सियत है। टी एस एलियट की जो शख्सियत है, 20वीं सदी की सबसे बड़ी तनखीदी और शायराना शख्सियत करार दी गई। टाइम मैगजीन के सर्वे में ये बात बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स के तबके ने टी एस एलियट को करार दिया। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे यहाँ वाहिद अभी तक जो है नोबेल लॉरिएट हैं लिटरेचर के, जिनको 1913 में जो है नोबेल इनाम मिला था, और जन गण मन नेशनल एंथम अपनी जगह। न सिर्फ ये कि इनका जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का भी है सोनार बांग्ला, और ये भी। तो एक शायर एक फनकार सियासी हदबंदियों को तोड़ता है और सियासी हदबंदियां भी उसको कबूल करती हैं। इकबाल नोबेल प्राइज हासिल नहीं कर सके, लेकिन इकबाल का नोबेल प्राइज हासिल कर लेना बहुत मामूली बात थी। कुछ हालात ऐसे थे, कुछ उनके चीज़ें तराजम नहीं हुई थी हुए थे, और दूसरे थोड़े एंटी, जैसे अब्दुल सलाम नोबेल लॉरेट ने कहा कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी बड़े डोमिनेंट रहे हैं। खुद गांधी जी को एक नोबेल प्राइज़ का रिकमेंड करने के बावजूद प्रेशर डालकर
उसको रुकवा दिया गया था। तो खैर ये बात अपनी जगह, तीनों इस 20वीं सदी की अहम शख्सियतें हैं और तीनों का जो रिलीजियस ट्रेडिशन है वो अलग अलग है। एलियट, टीएस एलियट जिस मसलके ईसाइयत से मुतालक थे उसको जो है यूनिटेरियनिज्म कहते हैं। यूनिटेरियनिज्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बायोलॉजिकल सन तस्वुर नहीं करता। इस मैं शिकागो में उस वहाँ के चर्च में भी गया था, यूनिवर्सिटी की, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो जो है किसी हद तक इस्लाम ही से करीब है। टैगोर जो ब्रह्मो समाज के बुत थे उनके यहाँ बुतपरस्ती नहीं है, ब्रह्मो समाज ने बुतपरस्ती से नजात हासिल की बल्कि पाबंदी जो है वहाँ। और जाहिर है कि इस नुक्ता नज़र से तीनों मजहबी जो है ट्रेडिशंस रिवायत एक दूसरे से करीब हैं, बहुत बड़ा इनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं हैं और तीनों अपनी जगह हम असर रहे हैं। इकबाल के ताल्लुक से टैगोर ने कहा कि ही वॉज ए यूनिवर्सल पोइट। और उन्होंने कई जगह इकबाल की शायरी की अजमत को सिदके दिल से एतराफ़ किया, लेकिन दुख का भी इजहार किया। दुख का इजहार ये है कि उस ज़माने में सियासी आवेजशें ऐसी थी मुस्लिम लीग कांग्रेस वगैरह की कि लोगों ने एक दूसरे टैगोर के और उनको जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हर वक्त खड़ा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है हाल में एक लेटर आया है, मैंने सरसरी तौर पर जिक्र किया था कि शाह एक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा को इकबाल ने लिखा था जिसमें कहा गया है कि इकबाल नज़रअंदाज कर देना चाहते थे टैगोर को, वो उनके घर गए थे फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ अजीब सी बाज़ोखत बड़ी बड़ी शख्सियतों के अंदर होती हैं, मतलब आज़ाद और इकबाल एक ही जगह लेकिन एक ही शायद मुलाकात का जिक्र मिलता है। इस तरह की बड़ी पेचीदगियाँ कौन सी चीज़ें होती हैं, अना होती है, क्या है, बहरहाल वो अपनी जगह कहीं ना कहीं इंसान है इंसान के अंदर। तो ये जो तीन शख्सियतें हैं 20वीं सदी के, दरअसल अगर आप देखें कि मज़ाहब की जो बुनियाद है या क़ुरान का जो मौजू है इंसान है। इंसान इस कायनात का शाहकार है, उसको ममा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून अपनी जगह है, लेकिन कायनात की तश्कील नौ के लिए जो इंसान को ऑटोनमी दीजिए, खुद अख्तियारी दी गई है, इसीलिए एहतसाब भी है। खैर और शर की तमीज़ दी गई है, इसीलिए एहतसाब भी है। तो उसमें इंसान दरअसल, हाल ही ने कहा था कि फरिश्तों से बढ़कर इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है हर चीज़ को जो है। इकबाल ने कहा था कि आ रही है दमादम सदाए कुन फैकुन, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फैकुन। तो असल ये है कि इस कायनात में इंसान का जो मौकफ है वो बहुत अहम है। अब आप गौर कीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ये दुनिया में क्या थी, कुदरत की ही दी हुई हिकमतों के नतीजे में तो इंसान ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। एलियट का जैसे मैंने जिक्र किया वो यूनिटेरियनिज्म से मुतालक रहे हैं, लेकिन बाद में इंग्लैंड जाने के बाद
वो एंग्लो कैथलिक बन गए थे। मज़हब से इंसान का जुड़ना उसके पर्सपेक्टिव में भी तब्दीली लाता है, तहजीब और दूसरे चीज़ें जो हैं। मौलाना मौदूदी ने कहा कि मैं तो नौ मुस्लिम हूँ, लोग तो जिस ख़ानदान में ब्राह्मण में पैदा हुए ब्राह्मण, शूद्र में पैदा हुए शूद्र, और जो है किसी भी, लेकिन मैंने सोच समझ कर अस्तर न इसको भले उन्होंने एक तौजीह की है। तो इकबाल के हाँ जो तब्दीलियाँ आई हैं बड़ी गैर मामूली। इब्तिदा में उनकी शायरी के अंदर फितरत एक गैर मामूली अहम रूप में सामने आई थी, फिर हुब्बुल वतनी आई, लेकिन इनके साथ साथ जब देखा उन्होंने कि ये हुब्बुल वतनी के पर्दे में सियासी नेशनलिज्म इंसान को वहदत आदम से रोकता है, वहदत आदम से रोकता है, तो उनके अंदर तब्दीली आई। उन्होंने कहा कि मजहब का कफन बन गया है वो। टैगोर के यहाँ भी यूनिवर्सैलिटी है, वहदत आदम की बात है। लोगों ने उन पर एतराज़ किया कि उनके यहाँ जो है आराम दे अंदाज का फ़लसफ़ा है और वेस्टर्न एटीट्यूड पे उन्होंने बड़ी अजीब सी जो है खामोशी अख्तियार की, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जो नज़्म है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, वो बहुत अहम है, जो हमें बताती है कि उन्होंने बहुत ही सलीके से इंसानी वहदत की बात की है। इकबाल इंसानी वहदत की बात भी करते हैं लेकिन अख्वाम की नहीं। उनके फर्जंद ने जिंदरूद किताब में लिखा कि इकबाल ये महसूस करते थे कि अख्वाम जो बात कहते हैं, अख्वाम का इत्तेहाद, वो दरअसल सियासी है, सियासी इत्तेहाद पायदार नहीं होता, असल इत्तेहाद तो इंसानों का होना चाहिए। टैगोर के यहाँ भी यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एक अहम है। वेयर द माइंड इज, मैं इसका तर्जुमा भी कर रहा हूँ, मैं अपनी किताब से सुनाऊंगा उसका, आसमा का पैरहन, इस मेरी किताब में इसका तर्जुमा भी है, और ये इंसानी वहदत की बात करते हैं इसमें टैगोर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रैगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इंटू द ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड by these into the widening thought and action, into the heaven of freedom, my father, let my country awake. गीतांजलि को जो उनको मिला है नोबेल प्राइज़, दरअसल उन्होंने इब्तिदा में बंगला में लिखा था, बाद में उसका तर्जुमा किया, और वो खुदा के हुजूर दरअसल दुआ है, और इस दुआ में वो अपने मुल्क के लिए कहते हैं कि मुझे ऐ खुदा मेरे मुल्क को दीवारों से महफूज रख और ऐसी चीज़ों से महफूज रख जो गैर ज़रूरी तौर पर इंसानों के दरमियान तफरीक करते हैं। तो ये टैगोर का नुक्ता नज़र था इंसानी वहदत के साथ, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। मैंने इसका तर्जुमा हेवन ऑफ फ्रीडम का जो है फिरदो से नज़र रखा है, कहीं के मैंने थोड़ी सी शायराना इख्तियारात को इस्तेमाल करके कहीं थोड़ी सी अपने अंदाज से कुछ हल्की सी तब्दीली भी इसके अंदर, तो एक तरह का ट्रांसलेशन नहीं है ये, ट्रांसक्रिएशन हो सकता है इसको कह सकते हैं। जहाँ जहन खौफ व हिरास के साए में
न जीता हो और ख्याल की सरफराजियाँ हों हर समत जहाँ इल्म फ़न पर न तहदीद हो जुस्तजू का सफ़र हो अनथके हाथ ख्वाबों के फैले हुए हों तकमील की राह पर हम सफ़र हों मेरी आँखों के शफाफ धारे जहन की ताजगी बंजर ज़मीं पर रिवायात के मुर्दा खराबे में एहसास के आदतें न ओढ़कर भटकती रहें वो जगा दे तेरी रोशनी में ख्यालो अमल की भटकती हुई बेकरां सरहदों में जहन को जिंदगी दे आज़ादियाँ सरफराजियाँ दे ऐ मेरे खुदा जिस्म जां की तमन्ना में महकी हुई ताजगी दे आज़ादियों से इबारत रहे वो जहां दे वो घर दे जो फिरदौस हो मेरी आज़ादियों का हवाओं का मानिंद बहता रहूं मैं तेरी इस ज़मीं पर फैले हुए आसमां पर। तो इंसान के वहदत आदम जो है जैसे अल्लाह ताला ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया रब्बुल आलमीन और अपने रसूल है रहमतुल आलमीन और हम सब आदम की औलाद हैं मिनहाज अलग हैं रास्ते अलग हुए उनकी अपनी तारीख तहजीब जहाँ तक के एलियट का सवाल है जो उनका जो पर्सपेक्टिव आया वो यूरोपियन कल्चर पे ज़्यादा जो है जोर देते रहे। दिलचस्प बात यह है कि यूरोप ने इस एलियट की जो शायरी का आगाज़ हुआ वो उम्र ख़याम की रुबाई से मुतासर होकर उन्होंने आगाज़ किया। उन्होंने लिखा द मिस्टिफिकेशन ऑफ उम्र ख़याम मेड मी द पोएट। इन तीनों के अंदर आपको जो है मशरिक और मगरिब के अलग अलग से रिस्पॉन्स मिलते हैं। इकबाल के यहाँ मगरिब के ताल्लुक से कहीं कहीं जारहाना रवैया वो सियासी इस्तेमारियत की वजह से पैदा हुआ जबकि तमाम ममालिक शिकंजों में थे मगरबी साम्राज्यत के लेकिन उन्होंने मगरिब की डायनामिज्म को हर वक्त तारीफ की और कहा कि मुझे यहाँ चीज़ें देखकर महफूज हैं हमारी दिल होता है तड़पता है इस तरह की बातें। एलियट के यहाँ मशरिक का डिस्कवरी है ख़ास तौर से इंडियन थॉट से वो उनकी एक मशहूर नज़्म तो शांति 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 पे जो है फिर बुद्धिस्ट थॉट का भी उन पर इन्फ्लुएंस रहा है और इस तरह से ये तीनों जो 20वीं सदी की गैर मामूली अहम शख्सियतें रही हैं एक वर्ल्ड विजन आपके यहाँ मिलता है। इकबाल पर उन अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहे थे तारा चंद रस्तोगी साहब हैं कि वो इकबाल के शागिद रहे थे तो उन्होंने एक हमीद साहब का एक मजमून कोट किया कि दोनों के यहाँ इकबाल और टैगोर के यहाँ और फिर एलियट का उन्होंने जिक्र नहीं किया एलियट के यहाँ भी मिस्टिक एलिमेंट्स अपनी जगह हैं लेकिन मिस्टिक एलिमेंट्स में इकबाल के यहाँ पॉजिटिव हैं और टैगोर के यहाँ नेगेटिव हैं। ये जो साहब है रस्तोगी साहब ने एक दूसरे अंदाज से गैर मुतवाजिन अंदाज से उन्होंने टैगोर की बात की ये कम्युनिटी वॉल्यूम में मजमून है इकबाल और टैगोर। बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था और उसके नतीजे में किताब छापी गई अली सरदार जाफरी और दूसरे ने मिलकर कम्युनिटी वॉल्यूम में उसमें ये मजमून है और इस मजमून में ये बताया गया है कि इकबाल वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस हालांकि ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि वह इकबाल बाद में इन्फ्लुएंस हुए अगरचे के कहीं उन पर उनके इसका जिक्र नहीं मिलता है। फिर ये बात भी कही गई कि जो है इकबाल ने कोई जिक्र नहीं किया टैगोर की शायरी का और फिर लेकिन टैगोर ने उनकी शायरी कर दी तो एक बहुत सतही किस्म का मजमून है
वो एक हालांकि अपने आप को वो इकबाल के शागिर्द कहते रहते हैं लेकिन शागिर्दी के अंदर वो नाखल अंदाज में ज़्यादा पेश करते रहे। ये जो बुनियादी सवाल है इंसान का कि इंसान है क्या, फ्राइड जो नफ्सियात का बहुत बड़ा माहिर था उसने कहा कि मुझसे पहले शायरों ने इसको अंदर बहुत खंगाल डाला कि इंसान की जो माहियत पर, हम तो बाद में आए हैं, हमने तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन शायरों ने तह दर तह बहुत सी चीज़ें बता दी। फलसफों ने उसको जो है हल करने की कोशिश की, मजाहब ने इनकशाफात के ज़रिए बात बताई, रिवेलेशन नॉलेज, दानिश नूरानी दानिश बुरहानी, तो वह एक दूसरा ही जो है, इल्म सिर्फ हासिल ही नहीं होता बल्कि इल्म चश्मे की तरह भी होता है। मेरे एक उस्ताद थे, वह बहुत नेक आदमी थे जिनके ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए थे, मुस्लिमुद्दीन फारूकी साहब, तो उन्होंने वो अब्दुल्ला शाह साहब के मुरीद थे, तो उन्होंने इसी चीज़ की बात उनसे जाके की पूछी, तो उन्होंने बताया कि देखिए जो चीज़ इक्तिसाब होती है वो आके ठहर जाती है लेकिन और ख़राब भी होने के इसके इम्कान है, पानी जमा हो जाए, लेकिन जो चश्मा अंदर से उबलता है वो कभी ख़राब नहीं होता। तो ये बातें बस ऐसी भी हैं जिसके अंदर जो है हमको गौर करना पड़ता है कायनात को, कि कायनात इतनी बड़ी है कि सदियों के सफ़र के बाद भी बाद रोशनी पर पहुंचती है और 186,000 मील फी सेकेंड के अंदर, तो आप इतनी बड़ी कायनात पे, इसीलिए न्यूटन ने कहा था कि मैं समंदर के किनारे सिर्फ संगरीजे चुन रहा हूँ, समंदर के किनारे। अब आप गौर कीजिए इतनी साइंटिफिक तब्दीलियों के बावजूद हाल में मालूम हुआ कि एक नया प्लैनेट भी ज़मीन के करीब है, इतने हबल टेलीस्कोप एक से एक, लेकिन मूल नज़रों से हो जाए। तो इस तरह से जो है इस कायनात में असल जो है वो इंसान है, शाहकार इंसान है, दूसरों को इख्तियार नहीं दिया गया। इंसान के अंदर जो रूप, मैंने उनका लेक्चर सुना था अहमद मदनी साहब का, एक साहब थे कौंसलेट बुला के मुझे दिए थे, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि खुदा ने रूप की है इसीलिए इंसान के करीब कोई भी नहीं पहुंच सकता, इंसान को साहिब इख्तियार बनाया गया है, खलीफा बनाया गया है, नायब है यहाँ का और तमाम चीज़ों से। तो अब इसीलिए कहा गया मन अरफ़ नफ्सो फ़कद अरफ़ रब्बहु, इकबाल के यहाँ जो खुदी पे जो ज़ोर है वो बहुत अहम है, वो खुदी ही दरअसल जो है एक बुनियाद फराहम करती है। मैंने अभी पढ़ा कि मन अरफ़ नफ्सो फ़कद अरफ़ रब्बहु, मेरी किताब इकबाल जहान नौ की तलाश में ख़त्म भी हो गई है, अभी जो है दूसरी और किताब आने वाली है इकबाल जहान नौ की तलाश में, इसमें मैंने इकबाल के इंसान तस्वुर इंसान पर तफसीली बहस की है कि इकबाल ने इंसान को खुदी के हवाले से किस तरह से कहा है, और इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि इकबाल का जो पैगाम था वो महदूद नहीं था। उनसे पूछा गया कि आपके मुखातिब सिर्फ मुस्लिम क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुखातिब मुस्लिम इसलिए हैं कि उनके अंदर मैं बहुत सी बुनियादी चीज़ें महसूस करता हूं, लेकिन उनके हवाले से मैं दूसरों तक बात पहुंचाता हूं। टैगोर ने रिलीजन ऑफ मैन लिखा, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बात की, और रस्तोगी साहब ने यही लिखा कि इकबाल मुसलमानों को ही कहते हैं। इकबाल का आखिरी रेडियो पैगाम भी जो है, जो अगर आप देखिए लाहौर से नशर हुआ, इंसानियत के लिए उन्होंने पैगाम दिया। उनकी जो किताब है जावेद नामा, जिस पे वो तवक्को करते थे कि उनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, हासिल होगा, वो इंसानी तारीख की पूरी जो है एक प्रोफाइल है।
ज़ाहिर है कि ये हमारा माजी है पूरा। इस्लाम ऐसा नहीं है कि कोई आइसोलेशन में है, ये पूरे जो है अब जिक्र तो चंद अम्बिया का आया है, इसलिए हम एहतियात करते हैं। तो इकबाल के जावीद नामे में इंसानी तारीख की पूरी जो है अंदाज की जो है बात आई है, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही गैर मामूली अंदाज में किया है। और फिर उनके पास जो नज़्म है सरगुज़िश्त आदम, उसमें भी उन्होंने इसी तरह जिक्र किया पूरा जो है किस तरह से जो है इंसान के जो है वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है कि इंसान की तरक्की तो होती रहेगी और इंसान अगला सफ़र करता रहेगा, चाहे वो मशरिक का हो या मगरिब का, अगरचे के मशरिक और मगरिब के दरमियान बुनियादी फ़र्क अपनी जगह अब भी बाकी है बहुत सी चीज़ों में, तहजीबी नुक्ता नज़र से और दूसरे रिलीजियस पर्सपेक्टिव के नज़र से, समाजी नुक्ता नज़र से भी बहुत बड़ी जो है खलीजें हायल हो गई हैं। अगर आप तफसील से जो है अगर आपको मौका मिला हो जाने के, देख सकते हैं कि वहाँ की माशरती ज़िंदगी जो है, वहाँ की आज़ादाना ज़िंदगी और किस तरह से जो है एक खुद नए इंतशार का सबब बन गई है। वो एक मैंने शायद वाक़ा सुनाया था होगा कि एक पाकिस्तानी जो है ख़ानदान की लड़की, वहाँ पे तो सिखा दिया जाता है कि सातवीं जमात के बाद अगर आपको माँ बाप कुछ डांटें तो फौरी पुलिस को बुला दें। तो उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया, तो माँ आके पुलिस आई, बोले माँ, मामा ने कहा देखो ये तो अब पुलिस को बुलाई तू, यू सी हाउ दिस वुमेन इज बिहेविंग, यू सी हाउ दिस वुमेन इज बिहेविंग। बाप आ गया, बाप आती जो है फिर और जो है मसला पेचीदा हो गया। फिर बाजू के पड़ोसी आके बोले कि पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा माफ़ी हो जाती है, उसके बाद अगर हो तो आपको पेरेंट्स को जो क्लासेस अटेंड करना पड़ता है, उसके बाद फाइन करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी अगर आप डांटेंगे या वो करेंगे तो फिर बच्चों को जो है ले लिया जाता है कि यू आर इनकेपेबल टू नरिश द चाइल्ड। अब बेचारे के इस फैमिली के लिए बहुत बड़ा वो था, सदमा हो गया था। कुछ अरसे के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने का समझाया, उसने कहा नहीं आऊँगी मैं, नहीं सब जाके थोड़े दिन के बाद आएंगे। तो कराची एयरपोर्ट पे उतरती, बाप ने पीटना शुरू कर दिया, अरे पुलिस वाला वहाँ आया तो ये क्या है। तो बोले देखो इस तरह से इसने किया, वहाँ पर इतना जो है वो हमको सब को किया, वहाँ के हालात ये, मैंने छोड़ना तय करके पाकिस्तान वापस आया। तो पुलिस वाले बोले दो और मारो उसका। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ चेंज। एक म्यूजिक की जो है टीचर थी, वो कहती थी कि सिंगल पेरेंटहुड इतना ज़्यादा है वहाँ पर, पहले तो शादियाँ नहीं होती हैं, समाज का जो है पूरा जो है कॉन्ग्लोमरेशन तबाह हो गया है वहाँ पर, एक बड़ा जो है इंतशार की दुनिया है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल पेरेंटहुड है ज़्यादातर। और पहले तो वो एक कड़ी पतंग की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो माशरती नुक्ते नज़र से बहुत सी चीज़ें जो है अलग अलग हैं, उसके असरात अपनी जगह आपको मिलते हैं मशरिक और मगरिब में। तो ये तीनों के यहाँ जो है उन तमाम चीज़ों से ख़तः नज़र एलियट के यहाँ भी, अगरचे कि वो ज़्यादा अपनी उसमें कहते हैं कि आई एम कैथलिक, आई एम रॉयल, वो जमहूरियत से ज़्यादा जो है बादशाहत को अहमियत देते थे और क्लासिकियत को अहमियत देते थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि मशरिक के साथ उनका अटैचमेंट था। ये तीनों शख्सियतें अजीम शख्सियतें थीं 20वीं सदी की, जिन्होंने आलम इंसानियत के लिए ख्वाब देखा। टैगोर तो यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड का तसव्वुर रखते थे, जैसे बर्ट्रैंड रसल ने भी कहा जो, मगर प्रैक्टिकल मसाइल दुनिया में ऐसे हैं, सियासत सबसे ज़्यादा गंदी जो है समझिए वो बैत नदी है, आज से ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख में। भाई भाई का कत्ल करता, बाप को कैद में डाल देते, यानी एक मिसाल नहीं देता मैं, मुस्लिम तारीख में भी है, हिंदू तारीख में भी है, क्रिश्चियन, हर एक में सियासत ने इंसानी रिश्तों को तोड़ा और बहुत
कुछ अच्छे लोगों ने जो है, जैसे हज़रत उमर हैं, उनकी गैर मामूली मिसाल लीजिए, खिलाफत राशिदा है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, कुछ दूसरे हिंदी इंडियन ट्रेडिशंस के, लेकिन ज़्यादातर आज भी देखिए पूरी दुनिया में तबाही का जो अंबार लगा हुआ है, सियासत की गंदगी है, और जो है क्या कहते हैं, बाजार है, बारूद का बाजार है, आप यहाँ से बात करें, और जो चाहे जो आदमी चाहे जिस तरह से कर, और हिंदुस्तान बहुत अच्छी गनीमत है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन करप्शन देखिए कितना है, करप्शन में तो दलदल में फंसे हुए हैं, हर आदमी के हाथ लगे हुए हैं। इंटरनेशनल सतह पर देखिए क्या हाल है, इराक को देखिए, अफगानिस्तान की तबाही देखिए, दूसरे मुल्कों में, लेकिन जो दूसरों के लिए गड़े खोदते हैं खुद भी गिरते हैं उस गड़े में। ज़ाहिर है कि मईशत किस हाल में होती जा रही है आपको उसको पता है, अमरीका और दूसरे इलाकों की। तो असल ये है कि आलम इंसानियत के लिए जो है जो रोल होनी चाहिए वो सियासत से ज़्यादा अदीब, इल्म फ़न के लोग और मजहबियत से, हकीकी मजहबियत से जुड़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि आपको श्री कृष्ण कमीशन और दूसरे कमीशन दीजिए, गैर मामूली मजहबी लोग हैं जो कमीशनों ने अपनी रिपोर्ट दी, खुद किसी मुसलमान को अगर चार्ज बनाते तो नहीं देता था वैसी रिपोर्ट। तो इंसाफ इंसाफ होता है, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है वो, तो इंसान का जो वो होनी चाहिए वहदत आदम, वहदत अख्वाम भी कोई बात बुनियाद नहीं है, क्योंकि वहदत अख्वाम के नाम पे किराए के खातिल बन जाते हैं, अफगानिस्तान पे हमला कर देते हैं, अख्वाम कई क्या अख्वाम है, अख्वाम मुत्तहिदा एक बूढ़े बाप की बल्कि दादा की तरह है, कोने में बैठा है, खाली उसको जो है इजाज़त भी लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं, उस तरह से इस्तेमाल नए किस्म की इस्तेमालियत है। तो इस सब में जो है नए किस्म की इस्तेमालियत की वजह से सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहा है वो इंसान। ओल्डस हेक्सले ने कहा कि कम्फर्ट्स एट अवर फिंगर टिप्स, आराम हमारे उंगलियों पे हैं लेकिन तबाही भी हमारी उंगलियों पे है। जैसे बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि एक बारूद के ढेर पर ये बैठी हुई दुनिया है, सिर्फ एक चिंगारी आप लगा दें तो दुनिया ख़त्म होने के करीब। तो ऐसी अजीम शख्सियत हैं जो मुख्तलिफ तहजीबी और इलाकाई और मजहबी तनाजुर से उभरी हैं, वो इंसानियत के लिए बहुत अहम रोल अदा करती रही हैं और अदा करती रहेंगी, क्योंकि आखिरकार इंसान की बहबूदी होगी और खुदा ने उसको जो हिकमत दी है, नेमतें अता की हैं, वो वक्त के साथ साथ आगे ही बढ़ेंगी। और फरिश्तों ने सही सवाल किया था कि ये फसाद करेगा, लेकिन ज़ाहिर के फरिश्तों को क्या मालूम, जो खुदा को मालूम था कि वो ये दुनिया की तश्कील नौ भी करता रहेगा, और दोनों चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, मुझे जहाँ तक याद है तकाबुली जायज़े का यह पहला मौका है जबकि प्रोफेसर हमारे डॉक्टर साहब ने हमें पूरी तरह से उन्वान से इंसाफ करके बताया कि ये किस बैकग्राउंड में टैगोर, किस बैकग्राउंड में इकबाल और किस बैकग्राउंड में एलियट, उनके कलाम उनके हमजा माना रहे हैं और उनकी अहमियत क्या है। तीन बातों की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। एक तो ये कि डॉक्टर निज़ारत रसूल खान के बारे में आपने कहा, ताहिर अली साहब का आगे भी क्या करना है ये भी मालूम है, डॉक्टर निज़ारत रसूल खान के बारे में ये सही अंदाज़ा किया जा सकता है या कहा जा सकता है
कि वो दखन के सर सैयद, इस वजह से कि ये नहीं है कि उनका सफ़र ख़त्म हुआ है, बल्कि उनके बहुत अजायम, बहुत से इरादे अभी तकमील पाने हैं। और उनकी बहुत बड़ी खूबी यह है कि ऐसे हजरात को उन्होंने अपने साथ ले लिया है जिनमें सलाहियतें कूट कूट कर भरी हैं। ऐसे लोग जो वाइस चांसलर बन सकते थे लेकिन ज़माने की नाइंसाफियों की वजह से भुगत रहे हैं वो नाइंसाफी, उनको उन्होंने साथ लेकर यहीं नहीं बल्कि सारे रियासत आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक जाल सा फैला दिया है तालीमी इदारों का। यकीनी हमारी दुआएं उनके साथ हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि उनको सेहत अता करें, आमीन। दूसरे ये कि मेरे बगैर बोले कि शायद यह किताब देखकर मुखर्जी साहब ने इसी से आगाज़ किया, मैं आपसे ये वाक़या सुनाना चाहता हूँ। प्रोफेसर हबीबुर रहमान जिन्होंने करोड़ों रुपयों की जायदाद अपनी हवाले की और उर्दू की तरक्की के लिए काम किया, उन्होंने एक दफ़ा कहा और क्या करूँ, जब मैं कई हजरात से ख्वाहिश करता हूँ कि आप चाहते हैं कि उर्दू तरक्की करें, तो मेरा एहसास ये हो गया है कि हर कोई चाहता है उर्दू तरक्की करे, उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, दीनी सरमाए के लिए उर्दू जानना ज़रूरी है, पर मुझे फुर्सत नहीं है, आप मत बुलाइए मुझे किसी काम के लिए, ये एटीट्यूड है। ऐसे में अगर आप उर्दू के लिए कुछ हमदर्दी रखते हैं तो यकीनी तौर पर आपको चाहिए कि ऐसे महाफिल में आप शिरकत करें, ऐसी किताबें ख़रीदें, अखबार उर्दू के ख़रीदें। अब एक मशहूर है कि दूसरे अखबार 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक छपते हैं, उर्दू अखबार जुमला में नहीं तो 2 लाख छपते हैं। वजह क्या है, यह खरीदता है 4-5 है, ये ख्वाहिश नहीं कि भाई मैं अपना अखबार पढ़ूंगा, अपना अखबार लूँगा। जाहिर है आपको जब फुर्सत है आप पढ़ सकते हैं, आप पड़ोस का लेंगे तो फिर आपको फुर्सत है और वो नहीं मिलेगा अखबार। इसी तरीके से किताबों का यह हाल है। आप बताइए ये किताब का जिसने उन्होंने तस्करा किया, या खैर उन्होंने फ़ोटो बताई, लेकिन ये दरअसल फ़ोटो इस वजह से आई कि मैंने किसी के हवाले की थी इसकी पूरी तरकीब और प्रिंटिंग और ये सब आप जानते हैं जियाउद्दीन अहमद शिकैब साहब ने किया, अब उन्होंने इसका। लेकिन ये है कि अगर आप अब ये रियायती इसमें दामों में अवेलेबल है, बैठे हैं हमारे इफ्तिखार साहब, 10 खरीद के तकसीम कर दी। वजह क्या है, इसी तरीके से मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने 10 खरीद के तकसीम किए, फ्लोरिडा से सत्तार साहब के बेटे आए वो 10 खरीद के तकसीम कर दिए, और अमीर अली खान ट्रस्ट आप जानते हैं सदा अली खान के भाई हैं, 15 लेके वो ट्रस्ट की जानेब से। मैं ये वजह से कह रहा हूँ कि एक हिम्मत अफजाई होती है, और 375 रुपये की किताब सिर्फ 250 रुपये में जो दाम है उसकी। इसी तरह से दूसरी किताब है जो हमारे हमवतनों में उसका शऊर है, लेकिन हमारे पास जो है शऊर की कमी है। ये किताब के बारे में जो मैं कह रहा था कुछ यादें कुछ बातें, ये अहाता करती है पिछले 100 साल ज़िंदगी, और जब ये डॉक्टर राम प्रसाद के हाथों इसकी इजराई अमल में आई तो हिंदू ने इसकी खबर शाया की। उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे हजरात जो उर्दू से नावाकिफ हैं वो पढ़कर, बागेवा में 7 तारीख को एक लेक्चर हुआ, उसमें गैर मुस्लिम जो है वो किताब खरीदे, प्रोफेसर परशोत्तम रेड्डी ने जिससे कहा कि मैं 1 महीने में उर्दू सीख के बताऊंगा, मैं ऐलान किया वजह से। उसके बाद मुझसे कहा कि 2 किताबें मैं खरीद रहा हूँ, मैं बोला आपको तो उर्दू नहीं आती, तो नहीं मेरे रेड्डी दोस्त हैं वो हिंदू में पढ़े हैं, और उसके बाद जो है मैं आपसे ख्वाहिश करूँ। और फिर क्या, हिंदू के दफ्तर से मुझे टेलीफोन आता है कि ये इंग्लिश में भी है, क्योंकि उसने कुछ वाक़यात कोट किए थे। चुनाचे एक वाक़या सुना तो आला हज़रत हुज़ूर निज़ाम का कितना सबक खामोश है वो हिंदू ने कोट किया है। वो क्या है वाक़या, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैदराबाद तशरीफ लाइन, और वो शायद उनके प्रोग्राम में आला हज़रत हुज़ूर निज़ाम से मिलना नहीं था, जबकि वो राजप्रमुख नहीं थे, 1960 का वाक़या है। तो उनका चूँकि मसला सिक्योरिटी का रहता है, ये बड़े लोग जो कुछ भी प्रोग्राम बनाते सिक्योरिटी चेक करती है और कहती है ये नहीं हम ये लिस्ट कर लेते, ख़तरा है ये फला है, वो नहीं किए उसमें शामिल।
हैदराबाद आई और अपना प्रोग्राम अंजाम देकर कहीं कि मैं निज़ाम से मिलने जाना चाहती हूँ। तो अब अनऑफिशियली उनका ट्रिप अरेंज की गई है आला हजरत से मुलाकात के लिए। अब यहाँ कई ऐसे लोग बैठे हैं जो आला हजरत जी नहीं जानते, हम आला हजरत के नाम से आसफ साहब को याद करते थे। गए हूँ जाते पहला रिएक्शन आला हजरत हुजूर निज़ाम का कि बगैर इत्तला के पहले प्रोग्राम के शामिल किए, अगर मुझे इत्तला होती तो कुछ अरेंजमेंट्स करता। तो वो जवाब देती है कि बाप के पास आने के लिए बेटी को इजाज़त की ज़रूरत है, वो हिंदू जो है पहले छाप दिया पेपर। ऐसे कई है, मैं उसको सुनाने बैठा नहीं, लेकिन सबा खामोशी बता रहा हूँ मैं, उसमें सबक कितना सबा खामोशी ये देखिए। तो ऐसी सरपरस्ती फरमाइए, ना उर्दू किताब लेके पढ़ेंगे खरीद के जेब से, ना अखबार पढ़ेंगे, फिर अब उर्दू तरक्की करें तो कैसे। अब उर्दू गरमाई स्कूल 35 साल से चल रहा है उर्दू हॉल में, 35 साल से। उस जमाने में उर्दू मेरी तहरीक से कायम हुआ गरमाई स्कूल, जिस जमाने में कि कोई गरमाई स्कूल नहीं चलता था, दीनी मदारिस चलते थे। तो उसमें खिलाफ तवक्को 300 शरीक हुए 4 साल की उम्र से 20-22 साल की उम्र तक। उसमें डॉक्टर्स, उसमें इंजीनियर्स, उसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से आने वाले, पहाड़ी शरीफ से आने वाले, टोली चौकी से आने वाले। इब्तदा जब किए, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं सबको बैठा, 8 क्लासेस कायम हुई 300 बच्चे। तो आगाज के दिन प्रेस टूट पड़ा। इंग्लिश प्रेस में एक अखबार ने यह लिखा कि ऐसे महसूस हो रहा था कि ये बदला लेना चाहते हैं अपने वालदैन से कि तुम हमको अपनी मादरी जबान से महरूम करना चाहते हैं, लेकिन हम सीख के बताएंगे। और आज जाके देखिए 60-70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, बूढ़े भी पढ़ रहे हैं, पीछे बच्चों के आसाम में बैठा के हम पीछे ख्वातीन को भी बिठा रहे हैं, नॉन मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं। उर्दू की कशिश ऐसी है उनको कि वो सीखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आप बड़ी मेहरबान। और दूसरी किताब के बारे में जो मैंने कहा, ये भी किताब आपके लिए बड़ी मुफीद है। ये मेरे पास रखाई गई है किताबें, ये 200 लेक्चर्स हैं स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्डिनरी MBBS। और ये किताबें हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, वो क्या क्या पूरे ब्रांचेस। और इसमें 200 सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लेक्चर्स हैं। आपके पास अगर ये किताब रहे तो घर में हमेशा काम आएंगी, क्योंकि इसमें आपको बाज़ वक्त फलां के लिए कौन सा डॉक्टर अच्छा है, पेट के दर्द के लिए कौन सा है, आँखों के लिए कौन सा अच्छा है, फलां है, तो ये रहनुमाई मिलती है आपको। ये भी रियायती दामों पर है, वो भी रियायती दामों पर है, ज़रूर आप लेते जाएँ और अपने घर में ऐसा रखें। बैरिस्टर सरदार अली खान ने रिमार्क किया था कि डिक्शनरी के तौर पे काम आता है मुझे, जब कोई कान में दर्द होता है, आँख में दर्द होता है या कुछ होता है, तो मैं पहले किताब पढ़ लेता हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या एहतियात करना है सब मालूम है। और राय स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की बात है, और उसकी वजह बताता हूँ मैं। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएँ तो 300 रुपये वो फीस दे रहा, और ये किताब 300 रुपये में, जिसमें आपके पूरे अमराज के बारे में स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट आए। ज़रूर खरीदिए, तोहफे दीजिए, बाहर भेजिए, और उसकी कदर देखिए कि कितनी कदर होती है आपके, कितने मशहूर होंगे। इन महाफिल के बारे में आज मेरा रूबी चैनल पे इंटरव्यू हुआ, तो इसके ऊपर ही छा ले हो ये जो हमारी महाफिल है। मैंने कहा कि भाई ये सब ताउन है हजरात का, कदरदानी है। और इसमें जो है कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, नौजवानों को शरीक करवाइए। आपको मालूम है अगर आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो वो टीवी पे रहेंगे, खेल क्रिकेट। अब जाके देखिए सुबह शाम तक क्रिकेट के लिए बैठे रहे, लेकिन यहाँ कुछ औकात देने के लिए उनके पास वक्त नहीं। अब किस कदर सिर्फ एक वाक़या कहकर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये ख़त्म करता हूँ। आपको मालूम है शरई इंफॉर्मेशन सर्विस, सुनिए साहब, शरई इंफॉर्मेशन सर्विस की क्लासेस कैसे शुरू हुई है। बागयामा में हम वॉक कर रहे हैं, एक दो स्टूडेंट्स मुझसे मिले, मिलकर कहने लगे साहब, अब वो बोले सदर हैं आप अनवर उनके मोहतमद फला फला वाला साहब, वो आपके जो क्लासेस चल रहे हैं अकबाल शिनासी के और तारीख इस्लाम के, हम बैठे ये तो कुछ समझे कुछ नहीं समझे, हमारे मेयार से ऊंचे हैं, लेकिन शरई इंफॉर्मेशन हमारे को नहीं मालूम है, शरई मालूमात नहीं। शादी ब्याह के क्या मसाइल हैं, विरासत के क्या मसाइल हैं, औकाफ के क्या मसाइल हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। और वो हैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स। तो बात में बोलते बोलते एक दूसरे को जरा पहल करने की कोशिश में बोला, तुम खामोश बैठो मैं बता रहा हूँ साहब। आज हम 4 स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे, एक उसमें नॉन मुस्लिम था, उसने मजाक मजाक में कहा कि तुम लोगों के पास क्या तरीका है, तलाक 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 बोलते रिश्ता टूट जाता हूँ।
तो उसकी तायीद एक मुस्लिम स्टूडेंट किया ये चार में से कि वाकई साहब क्या है हमारे पास ऐसा कैसा रिवाज है पढ़ा कैसा पढ़ाया हुआ। वो दो तो चले गए, ये दो मेरे पास आके मेरे से कहने लगे आप इसे। तो मैंने कहा आप यहाँ आइए मशवरा करिए। तो मुस्लिमुद्दीन सादी बहुत बड़े अकबालियात के माहिर थे और वो हमारे सरपरस्ती करते थे अकबालियात में, उनसे मैंने बयान किया कि भाई ये समस्या है। तो उन्होंने इसका नाम दिया शरई इंफॉर्मेशन सर्विस। शरई इंफॉर्मेशन सर्विस के तहत ही पीर के दिन हमारे पास किताब चलते हैं और जो बच्चे वाकिफ नहीं, आप सबको मत सुनिए, अपने बच्चे से जरा पूछ के देखिए, औकाफ के माने पूछ के देखिए, कुछ मसला पूछ के देखिए, शादी ब्याह के देखिए, विरासत के देखिए। आप मेरे लोग जो विल जिसे कहते हैं इसके बारे में पूछ के देखिए, आप किसी चीज के बारे में देखिए कि वह बच्चा कहां से क्या जवाब देता है। ये तो छोड़िए, आपके यहां के जो खिताब होते हैं शहर के बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े उलमा, वो इस वजह से अट्रैक्ट होते हैं कि ये हालत मालूम है उनको के शहर के हालात ऐसे हैं कि बच्चों को हमको सिखाना है और वो वालेहाना खिदमत अंजाम देने तैयार है। लेकिन कितने ऐसे हैं कि वालेहाना खिदमत से उनसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं दिखते आप। शुक्र है जो भी हैं आज जितने महाफिल हमारे चल रहे हैं, लेकिन आपकी भी तवज्जो की जरूरत है। जरा ख्याल फरमाइए और उन लोगों को तरगीब दीजिए और साथ लाइए। आप उन पर छोड़ेंगे, आप जाइए वहाँ मिलिए और नमाज पर असर पढ़िए शरीके, वो नहीं होंगे। अपने साथ लाइए और लेके आकर उनको कम से कम छुट्टियों के दौरान इसका इस्तेफादा करने का मौका दें। अब आपको मालूम है कि नए बुलेटिन आ गए हैं और आपके हाथों में हैं, अगर किसी को ना मिले हों तो बुलेटिन ले सकते हैं। और एक से शाम तक 10 बजे से कुछ टाइमिंग इसके दिए हैं और वो जो है शाम के 10:30 से 5 बजे तक ये जो है उनका प्रोग्राम है। ऊपर की मंजिल पूरी ख्वातीन के हवाले है और ऊपर की मंजिल के लिए वजू खाने भी हैं और बैतुल खला भी है। तो ये रहेंगे 3 दिन और जाहिर है कि ऐसे मसले में अगर ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ख्वातीन के लिए कोई अहम काम कर रहा है तो ये आपकी भी तवज्जो का मोहताज है। ज़रूर इसमें कोऑपरेट करवाइए, शायद लंच का भी वो इंतज़ाम कर रहे हैं या क्या तरीका है, पेमेंट का है नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें ये लंच का इंतजाम है। तो 150 है तीन दिन के लिए 150 ना, तो कोई बात ही नहीं है, 50 नॉमिनल है, बिल्कुल नॉमिनल। तो ये जो है आप जरूर साथ लेते जाइए और ख्वातीन को भिजवाइए। एक ऐसे काम में ख्वातीन को आप तहरीक उनको होगी मुतहरिक करेंगे कि जिसका बहुत हालात के लिहाज से जिसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि आप तवज्जो फरमाएंगे। ख्वातीन काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने इसका एहतमाम किया है और इस गर्मा के मौसम में आपको अंदाज़ा है कि आप हम फिरने के लिए मुश्किल महसूस करते हैं, तो ख्वातीन को ऐसे इंतजाम करने में कितनी दिक्कत नहीं होती होगी। और वो शाबाशी है उन लोगों के लिए कि वो ऐसे ख्वातीन ये हमारी ऐसे मसाइल की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। मैं आज के मुखलिस साहब से दुआ की गुजारिश करता हूँ। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم الخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين